बड़ी खबर, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर समाचार। देखिए यह समाचार। पूर्व सांसद और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। मैनपुरी के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने जहां प्रथम चरण के चुनाव में सपा की 45 से 50 सीटें आने का दावा किया, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा को क्लीन स्वीप होने का दावा किया। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का भी सपा गठबंधन को फायदा मिलने की बात कही। उन्होंने कहा किसानों और युवाओं में भाजपा के प्रति रोष दिखा, जिसके चलते किसानों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर एंटी भाजपा वोटिंग की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की हवा निकालने का काम किया और भाजपा का कमल इस बार नहीं खिलने वाला है। देखिए हमारे संवाददाता विजय बघेल की यह रिपोर्ट। वो समाजवादी पार्टी को दिया, सभी समाज के लोगों ने जिस तरह वोटिंग की है और भाजपा के हौसले जो है इतने पस्त हैं पहले चुनाव पहले चरण के बाद में, और दूसरा चरण जो है उसमें क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी करने जा रही है। 14 को वोट पड़ेंगे तो आप पे जो खबरें आएंगी वो यही आएंगी, क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी ने सेकंड फेज में किया। जो वोट परसेंट बढ़ा है 17 के मुकाबले इस बार में वोट परसेंट बढ़ा गया, ये किसानों ने जो परेशानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में झेली। किसान आंदोलन का एक बड़ा केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश था, वहाँ गन्ने की एक बड़ी मांग थी और भाजपा ने वादा किया था गन्ने के बकाया को जल्द भुगतान करने का। अब भुगतान तो किया नहीं, पहले से ज़्यादा देनदारी किसानों के ऊपर बढ़ गई। तो किसानों ने जिस तरह की ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो कम्युनल एंगल की ओर ले आने का प्रयास हर बार भाजपा करती रही, इस बार उनके इस एंगल को पूरी तरह से नकार दिया और किसानों ने और नौजवानों ने बहुत अग्रेसिव वोटिंग की है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट करने पहुँचे। इनका एक ही संदेश था कि हमारा वोट भाईचारे के लिए, विकास के लिए और रोजगार के लिए। तो ये जो बड़ा हुआ वोट है ये उन्हीं सब किसान भाइयों को, नौजवानों का। देखिए कहीं कोई वोट दे नहीं रहा है, जानबूझ के ऐसे गांव में जाते हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा वोट है। और हमारे लोग जब नारे पार्टी के पक्ष में लगाते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा अपमान हो रहा है। तो ये केवल चुनाव में मीडिया अटेंशन लेने का ये फंडा इनका है। कहीं कोई इन्हें पूछ नहीं रहा, किसी गांव में घुस नहीं पा रहे हैं और केवल लाइमलाइट में बने रहें और ये दिखा सकें ऊपर अपने नेताओं को कि हमने बहुत संघर्ष किया और ये था वो था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं है। किसी हमारे कार्यकर्ता ने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, कहीं कोई हाथापाई या किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई जैसा कि उन्होंने एफआईआर में दर्शाया। 2014, 2017 और 2019 तीन चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का मूवमेंट बना, बीजेपी लहर बनी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो आर मीडिया में बता रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, भाजपा की हवा निकालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किया। जिस तरह पहले भाजपा की हवा भरने का काम करते थे, इस बार भाजपा की हवा निकाल दी, ऐसी हवा निकाल दी है कि पूर्वांचल तक पहुँचते पहुँचते एकदम खुश जो है कमल हो जाएगा और कहीं ये दिखाई नहीं देंगे।